और हमारे आज के संपादक हैं बीआर गुप्ता जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका ये विशेष संपादकीय इंदिरा गांधी पर आप देखिए सुनिए। 1999 में बीबीसी ने इंदिरा गांधी को वुमन ऑफ द मिलेनियम का दर्जा दिया था। इंडिया टुडे ने 2001 में उन्हें भारत की महान प्रधानमंत्री के रूप में पसंद किया था। आज उनका 97वां जन्मदिन है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कमला की इकलौती संतान इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। वे राजनीतिक वातावरण में जन्मी, पली और बड़ी हुई थी। इंदिरा गांधी वर्तमान पीढ़ी और पूरी दुनिया को दो तीन कारणों से याद है। 70 के दशक में पाकिस्तान से युद्ध करके उसकी सेना को हराकर दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य समर्पण, और साथ ही ईस्ट पाकिस्तान को स्वतंत्र बांग्लादेश में स्थापित करने का काम इंदिरा गांधी ने ही किया था। उन्हें आयरन लेडी और दुर्गा का रूप माना गया। इलाहाबाद कोर्ट के चुनावी मुकदमे के फैसले से बौखलाई इंदिरा गांधी ने विरोध बढ़ता देख 26 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू कर दी। राजनीति और मीडिया खामोश कर दिए गए। 1977 में कांग्रेस चुनाव में हार गई। नया गठजोड़ जनता पार्टी के नाम से एकजुट हुआ और श्रीमती गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया। मोरारजी देसाई और चरण सिंह की सरकारें जनसंघ और आरएसएस की दोहरी सदस्यता के चलते अंदरूनी टूट का शिकार हो गई। 1980 में राजनीतिक बयार ने इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता और संगठन शक्ति को स्वीकारते हुए उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बना दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार का हादसा उनके जीवन की एक ऐसी चूक बना जिसकी परिणति 31 अक्टूबर 1984 में उनकी हत्या के रूप में हुई। ये एक विश्वासघाती मौत थी। उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। विकास, आम आदमी की गरीबी, रोग, अशिक्षा, गैर बराबरी के लिए उन्होंने नीतियां बनाई, उन पर अमल किया और एक मजबूत हिंदुस्तान आने वाली पीढ़ी को सौंपा। बी आर गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार।